मेरे मित्रों, हम लोगों ने वर्ष 18-19 की समीक्षा की है और उसमें जो आंकड़े आए हैं वो बहुत संतोषजनक नहीं हैं। जो बिहार का सीडी रेशियो है, ये जहां 17-18 में 45.38% था, 45.38%, वो 18-19 में घटकर 44.09% हो गया, तो लगभग 1% के करीब जो है सीडी रेशियो के अंदर और 18-19 के अंदर कमी आई है। उसी प्रकार जो जिसको एनुअल क्रेडिट प्लान बोलते हैं, वार्षिक साख योजना, यानी बैंक एक वित्तीय वर्ष में बिहार में कितना ऋण वितरित करेंगे, इसको वार्षिक साख योजना या वार्षिक ऋण योजना, ये एनुअल क्रेडिट प्लान बोलते हैं। और इस एनुअल क्रेडिट प्लान में जहां 17-18 में जहां बैंकों को 1,10,000 ये क्षमा करेंगे 18-19 में 1,30,000 करोड़ रुपया वितरित करना था, उसके विरुद्ध बैंकों ने 1,09,582 करोड़ का ऋण वितरित किया है, मैंने लगभग 1,10,000 करोड़ का, जो टारगेट का 84.29% है। यानी 18-19 में बैंकों ने अपने लक्ष्य का 84.29% ऋण वितरित किया है, जबकि 17-18 में बैंकों ने अपने लक्ष्य का 90.85% ऋण वितरित किया था। इस पर विस्तार से चर्चा हुई है और हम लोगों ने 10 जिलों की पहचान की है, जिन जिलों का जो एनुअल क्रेडिट प्लान यानी जो उसमें 17-18-19 में उनको जितना ऋण वितरित करना था वो लक्ष्य से बहुत पीछे रहे, उसमें 10 जिलों की हम लोगों ने पहचान की है, मधुबनी, गोपालगंज, शिवहर, जहानाबाद, बांका, सीतामढ़ी, कटिहार, सुपौल, सिवान और मधेपुरा। और सिर्फ 5 जिले ऐसे हैं जो पिछले बार की तुलना में लगभग 20% की कमी आई है, जैसे मधुबनी में पिछले साल की तुलना में यानी 17-18 की तुलना में 18-19 में उन्होंने 20% टारगेट से कम ऋण वितरित किया है, गोपालगंज भी करीब 20% है, जहानाबाद 17% और सिवान करीब 15%। तो हम लोगों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन जिलों से चर्चा की है कि क्या कारण है कि पिछले बार से ज़्यादा ऋण वितरित होने के बजाय आपका 17-18 की तुलना में और अचीवमेंट और कम हो गया। और हम लोगों ने उनकी बातों को सुनने के बाद जो बैंकों के राज्य स्तरीय पदाधिकारी हैं, जैसे SBI के CGM होते हैं, चीफ जनरल मैनेजर, PNB, उनको कहा है कि वो स्वयं जिले में जाएं, उन जिलों में, और वो जिले में जाकर समीक्षा करेंगे, मधुबनी, गोपालगंज, जहानाबाद, कटिहार, सिवान, ऐसे जिलों में, कि क्या कारण है कि वार्षिक साख योजना का लक्ष्य जो है पिछले बार की तुलना में उसमें इतनी ज़्यादा कमी आई है। इसलिए एक तो यह महत्वपूर्ण निर्देश हम सभी लोगों को दिया गया है और वित्तीय वर्ष 19-20 के लिए और 1,45,000 करोड़ का टारगेट निर्धारित किया गया है, यानी वर्ष 19-20 में बैंक बिहार में 1,45,000 करोड़ का ऋण वितरित करेंगे। हम लोगों ने एक और किया था कि हर जिले में 10 ऐसी शाखाएं जिन्होंने बेहतरीन काम किया है और 10 ऐसी शाखाएं जो लो परफॉर्मिंग ब्रांचेज हैं, उनकी भी एक लिस्ट हम लोगों ने तैयार करके उसको सार्वजनिक किया है ताकि हर जिले में मालूम पड़ सके कौन शाखाएं ऐसी हैं जिन्होंने अच्छा काम किया और कौन सी ऐसी ब्रांचेज हैं जो ब्रांचेज जिन्होंने अपेक्षा के अनुकूल उन्होंने काम नहीं किया है।
मित्रों, एक विषय यहाँ पर आया है कि आपको मालूम है कि फसल बीमा योजना हम लोगों ने बिहार में स्थगित करने का निर्णय लिया था, चूँकि और उसके स्थान पर बिहार ने फसल सहायता योजना ये लागू किया है। आरबीआई का एक गाइडलाइन है कि किसान क्रेडिट कार्ड उसी को मिलेगा जो फसल बीमा योजना में जिसने अपना प्रीमियम जमा किया है। हम लोगों ने इस मुद्दे को उठाया था नीति आयोग की भी बैठक में, और परसों मैं दिल्ली जा रहा हूं और वहां पर वित्त मंत्रियों की बैठक में भी उठाऊंगा कि राज्यों की बाध्यता नहीं होनी चाहिए कि वो किसी योजना में शामिल होने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। और हमने बैंकों से आग्रह किया कि हम फसल सहायता योजना बिहार में लागू कर रहे हैं जिसमें किसानों से कोई प्रीमियम नहीं लिया जा रहा है, और करीब 315 करोड़ रुपया हमने 2.5 लाख किसानों के बीच वितरित करने का काम किया है। तो बिना प्रीमियम लिए हुए अगर हम किसानों की ज़्यादा मदद कर पा रहे हैं तो किसी योजना को लागू करने की बाध्यता नहीं होनी चाहिए। मुझे खुशी कि बैंकों ने इसमें सहयोग करने का निर्णय लिया है, और बैंकों ने कहा कि हम फसल सहायता योजना और हम इसके बारे में दिल्ली से केंद्र से बात करते रहेंगे कि अगर हमारे किसान अगर फसल से ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रीमियम नहीं भी अगर दे रहे हैं तो भी उनको किसान क्रेडिट कार्ड से वंचित न किया जाए। इस साल भारत सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड में 1 लाख तक का जो ऋण था वो बिना किसी कोलैटरल के देने का प्रावधान था, यानी बिना कुछ बंधक रखे हुए 1 लाख तक का ऋण दिया जा सकता था। इस साल भारत सरकार ने उसको बढ़ाकर 1,60,000 कर दिया है। इसका भी लाभ बिहार को मिलेगा। दूसरा कि भारत सरकार ने ये किसान क्रेडिट कार्ड जो है ये मत्स्य पालक, फिशरी, डेयरी और पाउल्ट्री, यानी डेयरी उद्योग चलाने वाले लोग, मत्स्य पालन करने वाले लोग और पाउल्ट्री, इनके लिए भी किसान क्रेडिट कार्ड योजना को लागू करने का निर्णय लिया है। तो आज बैंकों को हम लोगों ने आग्रह किया है कि इस वित्तीय वर्ष में बड़ी संख्या में बैंकों के द्वारा और इन तीनों क्षेत्रों में और बड़े पैमाने पर किसान क्रेडिट कार्ड के तहत ऋण वितरित किया जाना चाहिए। आपको मालूम है कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जब ऋण वितरित होता है तो जो किसान समय पर ऋण वापस करेंगे उनको केवल 4% का ब्याज देना पड़ता है, और बिहार सरकार अपनी ओर से 1% ब्याज दे रही है। यानी समय पर ऋण वापस करने वाले किसानों को केवल 3% का ही उनको ब्याज देना पड़ता है। तो इसलिए अब बिहार के किसानों को भी डेयरी, फिशरी, पाउल्ट्री, इस तीनों का भी लाभ और बिहार के किसानों को मिलेगा। उसी प्रकार हम लोगों ने और बैंकों से ये भी आग्रह किया है कि अभी किसान क्रेडिट कार्ड में ऑनलाइन आवेदन देने का प्रावधान नहीं है। हम लोगों ने कहा कि जब बिहार सरकार अपनी सारी योजनाओं का आवेदन ऑनलाइन प्राप्त कर रही है तो बैंकों के अंदर किसान क्रेडिट कार्ड या अन्य योजनाओं के लिए फॉर्म भरने के लिए बैंक जाने की आवश्यकता क्यों पड़नी चाहिए। और इस मुद्दे को भी मैं दिल्ली की बैठक में उठाऊंगा कि बैंकों के अंदर जितने तरह के आवेदन हैं और जो ऋण की स्वीकृति है वह ऑनलाइन होना चाहिए, किसी को बैंक में जाने की और आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। अभी भारत सरकार ने एक योजना प्रारंभ की है कि 59 मिनट में यानी 1 घंटे में 1 करोड़ तक का ऋण वितरित किया जाएगा। कोई व्यक्ति ऑनलाइन जाकर पोर्टल पर और आवेदन करेगा और 1 करोड़ तक का ऋण 59 मिनट में उसको स्वीकृत हो जाएगा। बिहार का इसका जो आंकड़ा था उसमें करीब 350 लोगों को 380 करोड़ का ऋण इसके तहत वितरित किया गया है। हम लोगों ने बैंकों से आग्रह किया कि और भी जितने ऋण हैं ये सारा ऋण ऑनलाइन होना चाहिए। आपको जो डॉक्यूमेंट जमा कराना ऑनलाइन जमा कराइए,
जो चेक करना है ऑनलाइन चेक कीजिए, और विशेषकर उद्योगों के लिए उसके इनकम टैक्स के रिटर्न को आप देख सकते हैं ऑनलाइन जाकर, जीएसटी का रिटर्न देख सकते हैं, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री देख सकते हैं। तो इसलिए बैंक भी ऑनलाइन जो है और सभी तरह के ऋणों को और वितरित करने का काम करे। उसी प्रकार मित्रों, ये जो साइबर फ्रॉड आए दिन अखबारों में पढ़ते हैं कि साइबर फ्रॉड हो गया, बैंक से किसी ने पैसा निकाल लिया धोखाधड़ी करके, इसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। तो राज्य स्तर पर बैंकों ने इसके लिए एक सेल का गठन किया है, और अगली बैठक में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे कि बिहार के अंदर कितने साइबर फ्रॉड की घटनाएं घटी हैं, उस पर क्या कार्रवाई हुई है, और विभाग ये बैंक जो हैं उसके बारे में क्या कार्रवाई कर रहे हैं। उसी प्रकार मित्रों, बिहार के अंदर और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र यानी सरकारी योजनाओं का सारा पैसा सीधे बैंक खातों में जा रहा है, एक नया पैसा भी नगद वितरित नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये शिकायत मिल रही है कि बैंकों को जो हम लोगों ने पैसा दिया और डीबीटी के माध्यम से लोगों के खाते में जाना है, तो बड़ी संख्या में शिकायत आ रही है कि काफ़ी लोगों के खाते में पैसा नहीं गया, और उसकी रिपोर्ट समय पर नहीं मिल पाती है कि कितने लोगों का वो फेलियर हो गया। तो उसके बारे में भी आज विस्तार से और चर्चा हुई है। उसी प्रकार 160 ऐसे ग्रामीण केंद्र हैं जहां अभी भी बैंकिंग सुविधा प्रारंभ नहीं हुई है, और इसलिए 160 ग्रामीण केंद्र जहां बैंकिंग आउटलेट की सुविधा अभी प्रारंभ नहीं हो पाई है, अगले 3 महीनों के भीतर सभी बैंकों से कहा गया है कि 160 ग्रामीण केंद्र जहां बैंकिंग आउटलेट की सुविधा नहीं है वहां पर भी ये सुविधा प्रारंभ हो जाए। उसी प्रकार बैंकों को ये भी कहा गया है कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एटीएम की संख्या बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। अभी जो अधिकांश एटीएम है वो शहरी क्षेत्र में अधिकांश या अर्ध शहरी क्षेत्रों में, तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और एटीएम की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। राज्य में इस समय 18,230 के बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट काम कर रहे हैं। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का मतलब ये हुआ कि एक नौजवान किसी गांव के अंदर एक निश्चित स्थान पर एक छोटी मशीन लेकर बैठता है, और उस गांव और आसपास के लोगों को अगर ऋण देना है, अगर बैंकों में अगर पैसा जमा कराना है, पैसा विड्रॉल करना है, ये सारी बैंकिंग सेवाएं ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स के माध्यम से और ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर और उपलब्ध कराई जा रही है। तो इसलिए ये जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं इनके बारे में भी और चर्चा हुई है। केसीसी में जैसे मैंने कहा कि मैं पिछले वित्तीय वर्ष में और उपलब्धि संतोषजनक नहीं रही है, जहां 10 लाख नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाया जाना था उसके विरुद्ध केवल 2,19,000 नए किसान क्रेडिट कार्ड बनाए गए, और जो पुराने केसीसी कार्ड होल्डर थे वैसे 17,36,000 लोगों को नवीनीकरण किया गया, उनके किसान क्रेडिट कार्ड का रिन्यूअल किया गया है। आज बहुत विस्तृत यहाँ पर चर्चा हुई है, और इस वित्तीय वर्ष 19-20 में और किसान क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत बड़ी मात्रा में किसानों को ऋण वितरित करने का और आज यहाँ उसकी चर्चा हुई है। इसलिए मित्रों, एक बात और फिर बता दें कि एनपीए जो है बिहार के अंदर 31 मार्च 2019 तक करीब 15,000 करोड़ रुपया वो एनपीए की श्रेणी में है, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट जिसको बैंकों ने राइट ऑफ कर दिया है, और ये कुल ऋण का लगभग 11% है। तो मैं लोगों से भी आग्रह करूंगा, और ये जो एनपीए ये कृषि क्षेत्र में ज़्यादा है, इसमें बिहार में लोगों से भी अपील करूंगा कि वो जो ऋण लेते हैं
उस ऋण को समय पर वापस करें। इसमें सबसे खुशी की बात है कि जो सबसे गरीब तबके के लोग हैं वो हमारी जीविका की जो दीदियां हैं वो जो जीविका की दीदियों को जो ऋण दिया गया उनका एनपीए केवल 2% है। यानी गरीबों ने जो कर्ज लिया वो कर्ज का लगभग 98% उन्होंने वापस कर दिया। तो इसीलिए हम लोगों ने मैं लोगों से भी अपील करूंगा कि बैंक तभी और ज़्यादा कर्ज वितरित कर पाएंगे जब पहले जो कर्ज लिया गया है उस कर्ज को लोग समय पर और वापस कर सकें। इसलिए मित्रों बहुत सारे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई है लेकिन मुख्य बिंदुओं की मैंने चर्चा की है और आज की इस बैठक के माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार, श्री श्याम रजक जी, श्री श्रवण कुमार जी, श्री सुरेश शर्मा जी और राणा रणधीर सिंह जी, ये सारे लोग उपस्थित थे और इन लोगों से भी संबंधित विभागों के बारे में और विस्तृत चर्चा हुई है। कुल मिलाकर 18-19 में यद्यपि अपेक्षा के रूप ऋण वितरित नहीं हुआ है लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि 19-20 में ये और बेहतर तरीके से बैंक ऋण का वितरण करेंगे। एक बात और बता दूं कि 7-8 में बिहार में बैंकों ने ऋण वितरित किया था 10,762 करोड़। तो जहां 7-8 में बैंकों का ऋण 10,762 करोड़ था ये बढ़कर 10 गुना बढ़ गया और लगभग 1,09,582 करोड़ तक पहुंचा है। पिछले 12 साल में करीब 10 गुना बैंकों के ऋण में वृद्धि हुई है लेकिन हमारा जो टारगेट था उस टारगेट से बैंक थोड़ा पीछे रह गए हैं और बैंकों ने आश्वस्त किया है कि कृषि प्रक्षेत्र में पिछले वर्ष जो कम ऋण वितरित हो पाया उसकी भरपाई 19-20 में करेंगे और बिहार के किसानों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराने का काम करेंगे। लोगों के पास जो बचत होती है वो बैंक में जमा कर देते हैं। अन्य राज्यों के अंदर जो बचत है या पैसा सरप्लस है वो लोग म्यूचुअल फंड के अंदर, वो लोग हाउसिंग के अंदर, वो लोग शेयर मार्केट में और बहुत सारे स्रोत हैं जहां पर वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन बिहार के अंदर जो पैसा लोग बैंक में रखते हैं और बैंक से जो ब्याज मिलता है उसका लाभ उठाते हैं। इसलिए आप देखेंगे सिवान जिला जहाँ पर कि सबसे ज़्यादा लोग विदेश में गए हुए कमाने के लिए, वहाँ का सीडी रेशियो सबसे कम है। छपरा, आरा, तो जहाँ के लोग बिहार के बाहर कमाने के लिए गए हुए हैं और वो लोग पैसा यहाँ भेजते हैं और वो पैसा बैंकों में जमा करते हैं तो इसलिए बैंकों ने ऋण वितरित किया सिवान के अंदर या छपरा में या आरा में। लेकिन डिपॉजिट ज़्यादा होने के कारण जो है और ऋण और जमा का जो अनुपात है वो आपको कम दिखाई पड़ता है लेकिन आप पिछले 10 वर्षों का अगर आंकड़ा देखेंगे तो जो सीडी रेशियो का भी जो आंकड़ा है वो लगभग 10% की उसमें भी वृद्धि हुई है। हम लोगों ने सीडी रेशियो जहां बिहार के अंदर और 34-35% से प्रारंभ किया था तो अभी हम लगभग 45% के अंतर्गत आए हैं। तो कुल मिलाकर जैसा मैंने कहा कि 10,000 करोड़ से प्रारंभ किया था और 1,10,000 करोड़ पर हम पहुँचे हैं तो अच्छी उपलब्धि है लेकिन टारगेट से कम है। उसके कारण हम लोगों ने बैंकों से और विस्तार से उसके बारे में चर्चा की।